क्या लोगों का मानना है कि छुआछूत और जाति के आधार पर भेदभाव अब भी हिंदुस्तान में है या नहीं? अब उतना नहीं रहता है, आजकल किसी के पास टाइम कहाँ है इतना सोचने का भी। इक्वल लेवल अभी ट्रीटमेंट हो रही है, कास्ट में कुछ अंतर नहीं रहा, सबको इंसानियत मानते हैं, तो छुआछूत बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल शहरों में गाँव में आजकल ये सब खत्म हो चुका है। कई लोगों का ये मानना है कि इस वक्त हिंदुस्तान में छुआछूत बहुत कम हो गया या नहीं के बराबर हो गया है, आपका क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा होता अगर हकीकत ऐसी होती कि नहीं चल रही या खत्म हो चुकी, तो बहुत खुशी होती। लेकिन मेरे जो अनुभव रहे हैं 8 राज्यों में 4 साल के जर्नी में कुछ अलग है। हकीकत यह है कि अब भी गांव में और शहरों में छुआछूत का मसला है, शहरों में जो तरीका है वो बदल चुका है। जातिवाद तो वैसे इस्लाम में नहीं होता या सिखिज्म में नहीं होता, क्रिश्चियनिटी में नहीं होता, इसका क्या अनुभव रहा है आपका? एक बुजुर्ग मिले थे बिहार में, उनसे मैंने पूछा था इस्लाम में जात बिरादरी का तस्वीर है, तो उन्होंने खूबसूरत जवाब दिया था, इस्लाम में नहीं है, मुसलमानों में है। मुसलमानों में दलित है, मुसलमानों में नट है, पमरिया है, हललखोर है, भांगी है, भाट है, धोबी है, उसी तरह जो उधर भी जातियां हैं इधर भी जातियां लगभग एक दर्जन की जातियां हैं। शेख सैयद जो लोग हैं बड़े खानदान के हैं, बड़े पोस्ट पर हैं, वो तो अभी तक अपने घर को बैठने भी नहीं देते हैं, साथ में छूत मानते हैं, घिन मानते हैं, मतलब जात पात है। हाँ, जात पात भी है कि मुसलमान सब एक इस्लाम के मानने वाले हैं, और उस मस्जिद के अंदर से बाहर निकलिए इस्लाम चला गया इधर, और क्या बोलता है शोषण आ जाता है आगे में। कुछ लोग यहाँ से आते हैं, कुछ लोग वहाँ से आते हैं, ऐसा क्यों? यहाँ जो है ना मजहब ही सिखा सकते हैं, और वो जो है ना उधर वो जट जमींदारों के लिए है। यहाँ गांव में किसी ने कोशिश की है कि वो जो जट सिखों वाला दरवाजा है वहाँ से प्रसाद ले? हाँ, बड़ी बार एक आदमी का कपार फोड़ दिया था, वो लोहे का इतना बड़ा होता है बर्तन, उसने मार के उसका कपार फोड़ दिया, ऐसा होता है। मैं पुलैया जाति का क्रिश्चियन हूँ, लेकिन ऊंची जाति के लिए मैं सिर्फ एक दलित हूँ, क्रिश्चियन नहीं। मेरे माता पिता एक क्रिश्चियन के वहाँ गुलामी करते थे, उन्हें घर में दाखिल तक नहीं होने दिया जाता था, जमीन में एक गड्ढा बना होता था, वहीं उनका खाना रखा जाता था, उनको हर प्रकार की छुआछूत और भेदभाव को सहना पड़ा। ये किसकी चर्च है? हमारी, दलितों की। ऊंची जाति के लोग हमारी चर्च में नहीं आते, उनकी चर्च में जाए तो अलग बिठाते हैं, उन्हें लगता है हमारा खून अलग है, उनके खून का रंग नीला और हमारा लाल। आप दलित पैदा होते हो, दलित जीते हो, दलित मरते हो, दलित ही दफनाए जाते हो, जन्म से भेद शुरू होता है, जीवन भर साथ रहता है, और इसीलिए मरने के बाद आपको दफनाया भी अलग जाता है। पूरे देश में इस प्रथा को स्वीकारा जाता है, इसीलिए दलित क्रिश्चियंस के कब्रिस्तान भी अलग होते हैं। शहरों में हम किन किन तरहों पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कास्ट सिस्टम अभी भी लोग पूरी तरह से फॉलो करते हैं? अपने अपने जो घर में जो अखबार आता है उसका सेंटर पेज खोलिए, उसमें होगा मैट्रिमोनियल कॉलम्स होंगे, और वो मैट्रिमोनियल कॉलम्स की अरेंजमेंट देखिए आप, वो बाय कास्ट होती है, अग्रवाल, बीसा, व्यास, पटेल, ये वो, और उसमें रिलीजन में भी आप देखेंगे, मुस्लिम होगा तो उसमें शेख पठान अलग होगा, क्रिश्चियन होगा तो उसमें जैसे गोवा में RCBC रोमन कैथोलिक ब्राह्मण कास्ट, और उसी फ्लो में इंजीनियर, डॉक्टर, मतलब ये दो अलग अलग चीजें हैं यार। मतलब ये कि हम कितना भी पढ़ ले के डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बन जाएंगे, लेकिन तब भी हमारी सोच वहीं की वहीं रह जाएगी, तो फिर हम इसमें से निकले कैसे? जाति भेदभाव और छुआछूत का जो मसला है कॉम्प्लेक्स नहीं है, बड़ा सीधा है, और उसका सीधा सीधा भी हल हो सकता है। वो कैसे? इंटरकास्ट मैरिज, जो अरेंज मैरिज का जितना हम लोग ढिंडोरा पीटते हैं कि हम तो बड़े ट्रेडिशनल लोग हैं, हम तो अरेंज मैरिज में मानते हैं, ये बेसिकली एक कास्टिस्ट स्ट्रक्चर है जहाँ पे इंट्रा कास्ट मैरिज ही होता है। मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने जा रहा हूँ, मैं अपने कास्ट में ढूंढता हूँ, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कितने चांसेस है मुझे अच्छा वर मिलने का, अगर मैं जात का बाउंड्री खोल देता हूँ तो कितना चांसेस है अच्छा वर मिलने का, लॉजिकली स्पीकिंग ज्यादा ही उसमें ही है ना, सारे बाउंड्रीज खोल दो, आप अरेंज मैरिज ही करें, आपके माँ बाप भी आपको ढूंढ के दे, लेकिन आपके जात के चौकठे से आप बाहर निकल के ढूंढेंगे तो आपको एक की जगह पे 1500 लायक वर मिल सकते हैं। कि गांधी के क्रांति का एक प्रतीक झाड़ू था, जैसा चरखा था उत्पादक परिश्रम के प्रतिष्ठा के लिए, झाड़ू था सामाजिक विषमता खत्म करने के लिए। तो क्योंकि हमारे देश में गंदगी करने वाले की प्रतिष्ठा ज्यादा है, साफ करने वाले की कम है। गांधी ने माना था कि ब्राह्मण के हाथ में झाड़ू आएगा और वो संडास सफाई से सब कुछ करेगा, और दलित जो है उसके हाथ में भगवद गीता जाएगी तो जाति पात खत्म हो जाएगा। पर हमें इस तरह से सोचना है कि हम एंड में सब भारतीय हैं, हमारी एक सच्चाई है, और उस सच्चाई को एक्सेप्ट करके हमें एक तरह का बदलाव लाना है और हम चेंज ला पाएंगे।